सब्सक्राइब कीजिए जेआर टेक्निकल सपोर्ट हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयराज और आप देख रहे हैं जेआर टेक्निकल सपोर्ट हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर 5 प्रश्नों को लेंगे जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जेपीएससी मेंस के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जो है गौर से देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं आज का। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े कुछ तथ्य। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। अगर भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार को मिलाकर एक देश मान लिया जाए तो यह विश्व में बॉक्साइट का 5वां, लौह अयस्क का 4था और कोयले का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाएगा। देश की सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में है। समय की मांग है कि इस जनसंख्या को बाजार की मांग के अनुरूप जो है कुशल बनाया जाए। इसके लिए सरकार इन प्रदेशों में भौतिक और बौद्धिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। इन 13 राज्यों के लिए 2578 ITI खोले गए हैं जिनकी क्षमता लगभग 6.18 लाख है। छोटे कोर्स के लिए 900 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत की गई है। इसी योजना के अंतर्गत 154 बहुआयामी कौशल केंद्र खोले गए हैं जिसके माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के लिए सहयोग दिया जाता है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाएं या संस्थान खोले गए हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान भी खोले गए हैं। इस क्षेत्र की विरासत और विशिष्टता की पहचान बनाने के लिए कारीगरों और शिल्पियों का प्रमाण पत्र के लिए भेजा जा रहा है। इसके लिए कटक में कौशल और सामान्य सुविधा केंद्र खोला गया है। इसमें विश्व प्रसिद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पूर्वोदय सुधारों की भरमार कर दी है। प्रधानमंत्री के इस विचार से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। कर हस्तांतरण के मामले में भी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों का भाग बढ़ा दिया गया है। 13वें वित्त आयोग की तुलना में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए नए कनेक्शन में लगभग आधे कनेक्शन इन्हीं राज्यों को दिए गए हैं। पारादीप और धामरा बंदरगाहों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में जगदीशपुर हंडिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन योजना का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत इस पाइपलाइन की लंबाई जो है 2655 किलोमीटर होगी। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ कंपनियों ने पूर्वोत्तर राज्यों में ही गैस ग्रिड सिस्टम को चलाने के लिए समझौता ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री का मानना है कि इस समस्त क्षेत्र की उन्नति किए बिना भारत का विकास संभव नहीं है। साथ ही यह क्षेत्र युवा पीढ़ी, प्राकृतिक संपदा, पर्यटन, आर्थिक और व्यावसायिक अवसरों से भरा पूरा है। विकास के पथ पर इसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इसके फलदायी परिणाम होंगे। चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मध्य वर्ग की भूमिका, तो ये बताने के लिए हम किस प्रकार उत्तर को अपने रखेंगे, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान में मध्य वर्ग की भूमिका पर अक्सर विवाद होते रहे हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उत्थान में मध्य वर्ग एक इंजन का काम कर सकता है। आर्थिक इतिहासकार डेविड लैंडर्स लिखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद जो आर्थिक प्रभुत्व तो रहा वह इंग्लैंड के मध्य वर्ग का था। आर्थिक विकासवादी अभिजीत बनर्जी और एस्थर उफ्लो आर्थिक प्रगति में मध्य वर्ग की भूमिका के 3 तर्कों की चर्चा करते हैं। पहला तर्क है कि कामकाजी वर्ग की तुलना में यह वर्ग थोड़ी सी निवेश योग्य पूंजी और आकांक्षाओं के साथ उद्यमिता के लिए पूंजी निकाल लेता है। दूसरा, उद्यमिता के लिए आवश्यक मानव पूंजी और बचत दोनों ही इस वर्ग के पास मौजूद रहती है। तीसरा, एक ऐसे मध्य वर्ग उपभोक्ता का उदय हो गया है जो उच्च गुणवत्ता के लिए आर्थिक खर्च करने को तैयार रहता है। बढ़ी हुई मांग से विकसित उत्पाद का बाजार बनता है। तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है इस पर जो है कुछ इस प्रकार डिस्कशन किया जाएगा
कि भारत के संदर्भ में इस तीसरे बिंदु को सही ठहराया नहीं जा सकता। 2014 के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि अगर हम वैश्विक रूप से 10 से $50 प्रतिदिन उपभोग करने वाले मध्य वर्ग को आधार बनाकर मूल्यांकन करें तो 2011 के मूल्यों और क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से भारत में 2001 से 2011 तक यह मात्र 1.5% से 4% ही बढ़ा। इस अवधि में चीन में यह 6 गुना यानी कि 3.5% से 22% तक बढ़ गया। विश्लेषण की इस कड़ी में संध्या कृष्णन और नीरज हतेकर के निर्धन देशों में मध्य वर्ग की वर्गीकरण की व्याख्या कुछ विचार जो भी जान पड़ती है। इनके अनुसार एक निर्धन, एक निम्न मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के व्यक्ति का प्रतिदिन उपभोग क्रमशः 2 से 4 और 6 से 10 डॉलर तक रहता है। इस वर्गीकरण के आधार पर मिले डाटा से यह सिद्ध हुआ कि लगभग 28% शहरी और 10% ग्रामीण 2 से 4 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग करते हैं। 2017 में कृष्णन और हटेकर ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय से 2000 से 2001, 2004 से 2005 और 2011 से 2012 का उपभोक्ता डाटा प्राप्त किया और पाया कि मध्य वर्ग 2 से 10 डॉलर तक उपभोग करने वाला समूह 2001 से 2011 तक यानी कि 2011 तक 21% बढ़ा। इसमें भी 2 से 4 डॉलर वाला वर्ग जो है 81.67% से तक और 2011-12 में 73.75% बढ़ा है, जबकि उच्च मध्य वर्ग जो है 5% और 2011-12 में 8% बढ़ा है। इस सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि भारत का आर्थिक भविष्य निम्न मध्य वर्ग की आर्थिक उपलब्धियां और गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर 2011-12 की जनसंख्या का विश्लेषण करें तो पूरा मध्य वर्ग लगभग 62 करोड़ ठहरता है। इसमें 46 करोड़ जनसंख्या निम्न मध्य वर्ग में आती है। बनर्जी और उफ्लो 13 देशों की डाटा के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्धन की तुलना में निम्न मध्य वर्ग के पास अपेक्षाकृत अस्थायी रोजगार है। निर्धन की तुलना में निम्न मध्य वर्ग में प्रजनन दर कम है। यह वर्ग शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत काफ़ी खर्च करता है। एंजल के सिद्धांत के अनुसार आय बढ़ने के साथ अगर खाद्य सामग्री पर खर्च बढ़ भी जाए तब भी मध्य वर्ग का भोजन शेयर खर्च निर्धन वर्ग यानी कि $2 से कम उपभोग करने वाले की तुलना में कम ही रहती है। इसका कारण यह है कि मध्य वर्ग को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का भी आकर्षण रहता है। ये सामान उनकी बढ़ी हुई कमाई से खर्च का कारण बनते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं जिनसे यह पता चलता है कि मध्य वर्ग में सस्ते उपभोक्ता सामान के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश करने की भी मांग रहती है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो कि आज का तीसरा प्रश्न है इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए, क्वेश्चन है डेटा सुरक्षा कानून, ठीक है, इस पर हम सीधे चलते हैं इसके उत्तर पर। हाल ही में डेटा सुरक्षा कानून का मसौदा प्रस्तावित किया गया है। विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार यह मसौदा अमेरिकी तकनीकी कॉरपोरेशन के प्रभुत्व से देश के नागरिकों के हितों की रक्षा कर सकेगा। यह कानून नागरिकों को डेटा के लाभ को सुरक्षित और सुगम रूप से उपलब्ध कराने का द्वार सिद्ध होगा। साथ ही इस कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा की जा सकेगी। इन बातों के मद्देनजर समिति ने मोटे तौर पर 4 बिंदु प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं वो बिंदु क्या क्या हैं। तो जो भी कोई किसी का डाटा प्रयोग में लाता है वह उस डाटा का नियंत्रक नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार या न्यासीय होगा। यह एक बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, कई स्थानों पर उपभोक्ताओं से स्वीकृति ली जाती है यानी कि आई एग्री के विकल्प पर उपभोक्ता यूं ही स्वीकृति दे देते हैं। जाहिर सी बात है कि एक आम व्यक्ति इस फॉर्म की तकनीकी भाषा को नहीं समझ पाता। कानून के द्वारा इस विसंगति को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अब ऐप या वेबसाइट का संचालक किसी उपभोक्ता की उतनी ही जानकारी प्राप्त कर सकेगा जितनी सेवा प्रदान करने के लिए जरूरी होगी। जिस उद्देश्य के लिए जानकारी ली जा रही है उसे भी स्पष्ट करना होगा। तीसरा, यदि किसी के डाटा का उपयोग किसी की निजता के उल्लंघन के लिए किया जाता है तो इसकी सुनवाई के लिए डेटा सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि DPA के गठन का प्रावधान किया गया है।
यह एक स्वतंत्र संस्था होगी, इसमें न्यायिक प्रक्रिया चलाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इस संस्था को कंपनी के विश्व स्तर के कारोबार में से 4% तक की राशि दंड स्वरूप लिए जाने और पीड़ित को उसके नुकसान की भरपाई किए जाने की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। अगर डाटा नियंत्रक कंपनी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की है तो वह अन्य नियंत्रकों की तरह 15 करोड़ तक के दंड का भागी होगी। चौथा, समिति ने डेटा के स्थानीय भंडारण पर बहुत जोर दिया है। इसके लिए देश भर में कई डेटा केंद्र बनाने होंगे। इसके माध्यम से देश में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का भी एक पारिस्थितिकी तंत्र बन पाएगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। श्री कृष्णा डेटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे में कुछ कमियां भी नजर आती हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो चलिए इसकी हम कमियां भी गिनाते हैं। पहला है, डेटा से जुड़े अपराध में समिति भारत और भारतीय नियोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत देश के प्रोसेसिंग की बात करती है। इससे भारत में कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े मौजूदा कानून में कमजोरी आ सकती है। दूसरा, समिति व्यक्तिगत डेटा से अलग किसी प्रकार की अन्य जानकारी साझा करने को संज्ञान में नहीं लेती। हाल ही में फेसबुक द्वारा कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेची गई जानकारी भी व्यक्तिगत नहीं थी, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा था। अतः विधेयक में इस बिंदु पर संशोधन किया जाना चाहिए। तीसरा, समिति ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए आई एग्री या उपभोक्ता की स्वीकृति लेने को अनिवार्य जैसा करने पर जोर दिया है, परंतु समिति ने इस सहमति के बाद डेटा का दुरुपयोग होने की स्थिति में सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। कुछ कमियां के बावजूद विधेयक का मसौदा भारत के डिजिटल नेता बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। ये प्रश्न है, वॉलमार्ट का लाभ। तो आप तो जानते ही होंगे, ये बहुत ही सामयिक क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए इसके उत्तर की ओर हम चलें। कुछ समय पहले अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के प्रति कई भारतीयों का नकारात्मक दृष्टिकोण था। अर्थशास्त्रियों ने इस घटना की चीन से तुलना की और कहा कि अब भारत भी एक विश्वव्यापी और शक्तिशाली सप्लाई चेन से जुड़ जाएगा। इससे भारतीय निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुछ मामले में अर्थशास्त्रियों का अनुमान सत्य होते प्रतीत होते हैं। भारत में अमेरिकी कंपनी अमेजॉन का ई कॉमर्स के क्षेत्र में प्रभुत्व है। वॉलमार्ट के आने से उसके लिए एक शक्तिशाली प्रतियोगी आ खड़ा हुआ है। इसके चलते वह अपनी व्यवस्था और उत्पादों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। इसका लाभ भारतीयों को मिलेगा। वॉलमार्ट के पास 28 देशों में अपना कोल्ड चेन है। इसके पास अपने कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वाहनों की कमी नहीं है, अतः वह तुलनात्मक रूप से अधिक ताज़ा फल सब्जियां घर तक पहुंचा सकती है। यह सुविधा अमेजन के पास नहीं है। भारत में रिलायंस ने भी इसकी शुरुआत की थी, परंतु वह असफल रही। किराना दुकान वालों के लिए भी वॉलमार्ट के पास आकर्षक योजना है। वॉलमार्ट के पास 21 थोक वाले गोदाम हैं जो भारतीय रिटेलरों को सप्लाई करते हैं। इनमें से कुछ को वॉलमार्ट अपना पार्टनर बनाना चाहता है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं के घर तक अपना सामान पहुंचाने में वॉलमार्ट को सुविधा होगी। दूसरी ओर, हमारी किराना दुकानों को सूची प्रबंधन, डिजिटल भुगतान और लॉजिस्टिक तकनीक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के इस समझौते का प्रभाव भारत में रोजगार के क्षेत्र पर भी पड़ेगा। वॉलमार्ट ने भारत के मझोले और लघु उद्यमों से 4 से 5 अरब डॉलर प्रतिवर्ष के निर्यात का लक्ष्य रखा है। समय के साथ यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि की मांग करेगा। इस प्रकार लगभग 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर पनपने की उम्मीद है। क्योंकि वॉलमार्ट अपने विश्वव्यापी चयन में भारतीय सप्लाई के लिए 96% स्थानीय स्रोतों पर ही निर्भर करेगा, अतः लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन, वेयर हाउस वितरण और सामान पहुंचाने के लिए उसे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमारे देश में उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक कई मध्यस्थ काम करते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई कीमत का लाभ किसान को नहीं मिल पाता, यह मध्यस्थों के बीच ही बढ़ जाती है। अध्ययन यह बताता है कि जिन देशों में बड़े बड़े सुपरमार्केट हैं,
वहाँ उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच का अंतर कम है, क्योंकि वहाँ किसानों का बड़ी बड़ी कंपनियों से लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस प्रकार उन्हें उत्पाद की ज़्यादा कीमत मिलती है। दूसरी ओर उपभोक्ता को भी उत्पाद सस्ता मिलता है। भारत में वालमार्ट के आने से मंडी के आढ़तियों और थोक व्यापारियों को नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार मंडी में व्याप्त भ्रष्टाचार का संज्ञान नहीं लेती। उसने कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी कि APMC का गठन इसी उद्देश्य से किया था, परंतु कुछ ही राज्यों में यह लागू हुआ। सरकार ने ई नाम की भी शुरुआत की है, ताकि जिससे किसानों को आसपास की मंडियों के भावों की जानकारी मिलती रहे, परंतु यह भी विफल होता दिख रहा है। वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलरों का उद्देश्य कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक और ग्रेडिंग सुविधाओं का जाल बिछाकर किसानों के खाद्यान्न को सुरक्षित रखने या प्रसंस्करण करने वालों तक पहुंचाना है। भारत में अन्न को नष्ट होने से बचाना एक बड़ी समस्या रही है। वॉलमार्ट के आने से इसमें कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल वॉलमार्ट को कुछ ही राज्यों में प्रवेश मिला है। सरकार को चाहिए कि किसानों को भ्रष्ट तंत्र से बचाकर उनकी आय दोगुनी करने के लिए राज्यों को APMC अपनाने की सलाह दे, या विश्व की बड़ी रिटेल कंपनियों के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाए। चलिए अब हम आज की आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये प्रश्न है शिक्षा में विषमता, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर बहुत अच्छी तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि इसे कैसे लिखना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, इसके उत्तर की खोज करते हैं। शिक्षा में विषमता, 2009 के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया है, परंतु इससे समान शिक्षा की गारंटी नहीं दी गई है। आखिर निजी स्कूलों को अच्छे स्तर की शिक्षा का मूल्य निर्धारित करने की अधिकार क्यों दिया गया है? आखिर अच्छे स्तर की शिक्षा देने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती इतनी सीमित क्यों रखी गई है? भारत में औसत रूप से अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा का खर्च महाविद्यालयीन शिक्षा में से 5 गुना अधिक है। अधिकांश देशों में ठीक इसका उल्टा है। अधिकतर देशों जैसे कि स्वीडन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और कनाडा आदि के सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में 80-95% बच्चे पढ़ते हैं। भारत के स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए बाउचर सिस्टम की वकालत की जा रही है। अगर इसे लागू किया भी जाता है तो निजी स्कूल इसके दावेदार होंगे। इससे तो अच्छा है कि उस राशि को सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाने में लगाया जाए। सरकारी स्कूलों को करो या मरो का विकल्प नहीं दिया जा सकता है। उनको बेहतर प्रदर्शन के लिए हर हाल में प्रोत्साहित करना होगा। IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के कारण एक निर्धन सवर्ण परिवार का बच्चा प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तरीय नहीं है और महंगे कोचिंग संस्थानों के लिए उनके पास धन नहीं है। वह दो तरफा मार झेलता है। अगर सरकारी स्कूलों का यही हाल रहा तो इसका खामियाजा आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों को उठाना होगा। उच्च शिक्षा के वास्ते संस्थान हमेशा उनकी पहुंच से बाहर ही रहेंगे। निजी स्कूलों और महाविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु ये संस्थान उनके लिए हैं जो फीस दे सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षण संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय संगत और बराबरी पर रखा जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो है हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।